के अंदर जो कुछ है सैयद जम्मूल, कोशिशें हो रही थी कि शायद सीज फायर के जरिए और यहां पर शांति बहाल करने या फिर किसी न तरीके से अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश हो सकती थी या फिर लोग वापस घरों तक आते थे। लेकिन इस मूड में अमेरिका की तनबी और दबाव के बावजूद भी इसराइल नजर नहीं आता। अमेरिकी वजीर आजम का बयान और उसके बयान के बाद जाकर 24 घंटों में दूसरा बयान सामने आता है डिफेंस मिनिस्टर का कि कुछ भी कर लें यह जंग कई महीनों तक चलेगी। मरने वालों की तादाद 18,500 के पार और पिछले 24 घंटों के दौरान 180 से ज्यादा हलाकतें गजा के अंदर से तजमुल हो चुकी हैं। लेकिन जंग रोकने का या रोकने का तमाम वार्निंग्स और करारदादों और सिक्योरिटी काउंसिल के इजलासों के बावजूद भी कोई भी दबाव फिलहाल आईडीएफ पर या इजरायली हुकूमत पर अभी काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, देखें जिस तरह से अमेरिका ने रोज अवल से ही इसमें मुदाखलत शुरू की थी और किसी वक्त में यह बयान भी दिया था कि फलस्तीनियों के मसाइल जो हैं वो इंसानी जावियों से देखने की जरूरत है, लेकिन गजा पट्टी और आसपास में जो हमास की जो हरकतें हैं उस पर पूरी तरह से उनकी नजरें हैं। लेकिन अमेरिका ने बैक टू बैक जिस तरह से इस जंग में शामिल होने न होने का सबूत वाजिया तौर पर दिया, कई बार कंटेनर्स को, कई बार इंसानी वसाइल, फूड यानी राशन वगैरह पहुंचाने के लिए, जहां अक्वामी मुत्तहदा की करारदादों की अमल आवरी पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की कोशिशें की गई। लेकिन गजा की इस मौजूदा सुरहाल में पूरी गजा पट्टी पर जो इस वक्त है शदीद बमबारी जारी है। हालांकि कई एक मौकों पर 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन का सीज फायर तक हुआ, लेकिन गजा जंगबंदी जो है वो किसी भी कीमत पर जो है फिलहाल रुकने का नाम नहीं लेती है। इसराइली वजीर ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया और बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी वुज़रा की तरफ से जो बयान जारी आए हैं उसमें किसी भी कीमत पर आपको लिबनान की सरहदों से लेकर मशरिकी वस्ता के दीगर ममालिक तक के ट्विटर तक ही ये बात महदूद हुई। लेकिन गजा की सूरत हाल के बीचों बीच में जब आप इंसानी जावियों की बात करते हैं तो 18,000 से ज्यादा जाने तलफ होने के बाद जब आप जम्मू कश्मीर में या बाकी इलाकों में भी इस सूरत हाल को वाजिया तौर पर देखते हैं, कई बार स्टेटमेंट्स भी आए और उसके बाद जब वोटिंग हुई तो भारत ने मुकम्मल तौर पर इंसानी जावियों को मद्देनजर रखते हुए मोदी हुकूमत ने वही किया जो तमाम इंसानी जावियों के असूलों के ऐन मुताबिक था, यानी जो फलस्तीन के आम शहरियों की हिलाकतें उस पर तशवीश का इजहार किया गया। लेकिन बाकी यूरोपियन ममालिक में जिस तरह से इंग्लिस्तान और उसके बाद फ्रांस, अमेरिका और बाकी ममालिक ने अपना रोल अदा किया और ऐसा लग रहा था कि शायद यकतरफा ये सारी बातें और स्टेटमेंट्स आते हैं। लेकिन चूंकि इसराइली हुकूमत ने पहले ही कहा कि 2-3 दिन की ब्रेक का मतलब है कि जब आप सीज फायर का माहदा करते हैं तो उसमें उन्हें आगे चलने के रास्ते और हमवार होंगे। 2-3 दिनों में जंगी मशकें मुकम्मल हुई और तैयारियों के बाद जब पहला काफिला जब गजा पट्टी के नजदीक गया तो वहां पर फलस्तीनी अफवाज ने फायरिंग की और जिसके जद में इसराइली फौजी कई एक जान पैक हुए। जवाबी कार्रवाई में अगर आप मिट्टी के तोदों के मलबे तले अभी भी बड़ी तादाद में लाशें मौजूद है वहां पर, जिसमें ज्यादातर बच्चों की तादाद है और खाने पीने की जो कमियां हैं वो इस वक्त फलस्तीन, गजा और आसपास में देखी जा सकती है। लेकिन मशरिकी ममालिक और एशिया के ममालिक ने जिस अंदाज से भी, जिस कदर से भी चाहा, एक तो सबसे बड़ी तवक्कात ये थी कि इसराइल में फौरी तौर पर जो सीज फायर का माहदा है उसको तौसी मिले और उसके बाद जो कमसिन बच्चे हैं, जो इंसानी हकूक की सरासर खिलाफ वर्जियां की जंगी मशकें जब आप मुकम्मल करते हैं, जंग के मैदान में जाते हैं तो जंगों के भी अपने अपने माहदे और उसूल होते हैं। लेकिन उसूलों को बालाए ताक रखकर इसराइल की जो मौजूदा सूरत हाल और गजा की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अभी तक ठहरने का कहीं पर नामो निशान तक नजर नहीं आता। लेकिन मशरिकी ममालिक के साथ साथ मगरबी ममालिक और मिडल ईस्ट के ममालिक ने लगातार अपीलें की, एक तो फौरी तौर पर इस जंगबंदी को शुरू किया जाना चाहिए जो दिनों के बाद हफ्तों में दाखिल होना चाहिए, जिसके बाद मौजूदा सूरत हाल पर इख्तियार जो है कई एक ममालिक का है जिनमें अमेरिका बड़ा नंबर वन पोजिशन पर है और उन्होंने बड़े भाई का रोल अदा किया इस पूरे जंग में, लेकिन जो कोशिशें उन्होंने की थी वो अभी तक रायगां होती नजर आई।